We are the backbone of events. We make this happen. We've been kicked down, but we will get back up. Our focus is razor sharp. The show must go on. Events are where communities celebrate and people need community. We will be ready. Today, the arena is empty, but it will be full again, and we will be ready. It's quiet now, but it will be loud again, and we will be ready. It's dark today, but there will be light again. We will return, stronger than ever, recentered, reconnected, redefined. This is temporary. We will overcome. Live, a platform to sharing your thought. नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है EMD Celebrations, Event Managers Day Celebration की इस सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, उनकी चीजों को जानते हैं। और आज हम एक बहुत ही रेलिवेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर यहाँ पे हाजिर हुए हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स इन इवेंट इंडस्ट्री। और हमारी जो आज की मॉडरेटर हैं, वो मिताली कौर हैं। तो मैं चाहूंगा कि मिताली अब आगे इस सेशन को कैरी ऑन करें। मिताली, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगी। आज हमारे बीच में मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजर है, साथ में हमारे योगेश मिश्रा सर, जिन्होंने हमें बहुत आगे तक बढ़ाया है। मैं पहले सबसे पहले उनका वेलकम करना चाहूंगी। अर्शद सर हैं साथ में हमारे, और अनिंदिता चंद्र जी हैं हमारे साथ में, जो मिस ओशियन वर्ल्ड रह चुकी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और सबसे पहले सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मिस राजस्थान जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो नींव रखी गई वो कब रखी गई, और कहते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे पेजेंट है हमारे राजस्थान का, तो सर इस बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें आपकी, कैसे आपके दिमाग में एकदम से ये आइडिया आया, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स को प्रोवाइड कराई है यहाँ पे, और ये राजस्थान का एक इकलौता ऑथेंटिक पेजेंट है, तो इसके बारे में हमें आप थोड़ा सा बताएं। जी हेलो एवरीवन, थैंक यू कहूंगा अर्शद जी को कि इस टाइप का एक्टिविटी उन्होंने प्लान की, जिससे कि हम इवेंट इंडस्ट्री में फैशन इंडस्ट्री की जो भूमिका है उस पर बात कर सकें। और आए दिन बहुत सारी चीजें हमें फेस करने को मिलती हैं इस वाले फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत कम इवेंट मैनेजर्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं। सो मैं शुरुआत की बात कहूँगा कि हम छोटे थे उस टाइम पे, और अर्शद सर ने राजस्थान में एक नींव रखी थी, मिस जयपुर का आयोजन किया जाता था, और हम सोचते थे कि हम उनके जैसे बनेंगे, उस तरीके से इवेंट्स करेंगे। और 99 में हमने अपनी जर्नी शुरू की। उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, नॉर्मली स्पॉन्सर्स नहीं आते थे, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती थी, महिला संगठन आके खड़े हो जाते थे, वो इवेंट नहीं करने देते थे। तो उन फेजेस से निकल गए, इवन गर्ल्स का रुझान भी कम था, और 10 गर्ल्स इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ी टास्क थी राजस्थान में ब्यूटी पेजेंट्स में। उस जर्नी से स्टार्ट होते होते एक समय आया 2008 के बाद में, ऐसा रेवोल्यूशन आया, एक चेंज आया, यहाँ पे गर्ल्स ने 500-700 गर्ल्स ने आके रजिस्ट्रेशन कराया, जो एक बहुत ही बड़ा रजिस्ट्रेशन था उस जमाने में। और वहां से एक चेंज आया, मीडिया ने बहुत अच्छे से उसको प्रमोट किया, इवेंट जब बहुत अच्छे से पॉपुलराइज हो जाता है, पॉपुलरिटी बढ़ जाती है, तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लोगों की, उस इवेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए, अच्छे से उस चीज को प्रेजेंट किया जाए, उसका जो प्रेजेंटेशन हो वो नेक्स्ट लेवल पे हो,
प्लस जो कंटेस्टेंट यहाँ पे आते हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको फेस वैल्यू डेवलप की जाए या उनको वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड हो कि वो राजस्थान की गरिमा को मतलब प्रॉपरली उस चीज को प्रेजेंट कर सके। तो ऐसे फेजेस हमारे सामने भी आए। हमारे साथ सिर्फ इतना सा प्लस था कि हम लोग बचपन से इवेंट मैनेजमेंट में जुड़े हुए थे। 16 ईयर की एज से ही मैं इवेंट फील्ड में आ चुका था। मैं एज ए कोरियोग्राफर काम कर रहा था इंडस्ट्री में। संगीत डिजाइनिंग हमारा मेजर काम था। तो यहाँ पे सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मेरे ख्याल में आप निमिषा मैम का मैं जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे, वो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रही है इस पूरे जर्नी में। और मुझे ये जरूर पता है कि निमिषा मैम और आप मिलकर ही सारे पेजेंट्स करते आए हैं। जी, तो बेसिकली जब ये चेंजेस आए और यहाँ पे चीजें बढ़ने लगी तो हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया और जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और वो जो जर्नी शुरू हुई थी हमारी, आज तक स्टेट में बहुत सारे पेजेंट्स हो रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। या फिर हम नेशनल फेज में गए तो नेशनल फेज में भी ये चीजें सामने आई कि नेशनल में जो मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही है इतने सालों से, उसको छोड़ के जो पेजेंट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन होता है या प्रॉपर तरीके से वो चीजें नहीं मॉडिफाइड कर पाते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छे नहीं होते हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ठीक है, साथ ही वो नेशनल टू इंटरनेशनल प्रमोट नहीं कर पाते हैं। और जब हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके देखा तो एक बिल्कुल अलग ही सिनेरियो था कि वहाँ बहुत जितने भी काम होते हैं वो सब जो है एजेंसियां करती हैं, जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनको काम दिया जाता है, वो एग्जीक्यूट करते हैं, वही फंड रेजिंग करते हैं, वही स्पॉन्सर्स लेके आते हैं। और जो इवेंट मैनेजर होता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजर होता है इवेंट का, या जो मिस वर्ल्ड करा रहा है या यूनिवर्स करा रहा है या मिस अर्थ करा रहा है, इंटरनेशनल करा रहा है, ओशियन करा रहा है, बहुत सारे पेजेंट्स हैं वर्ल्ड में जो कि बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। तो उनका जो क्राइटेरिया अच्छा होना है वो इसलिए है कि वहाँ पे इवेंट मैनेजर्स उन चीजों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इंडिया या स्टेट लेवल पे इस तरीके का रुझान नहीं आ पाता, इवेंट मैनेजर्स का इतना वो नहीं है, जबकि ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। और मेरा बस इवेंट मैनेजर डे के ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें हमारी जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनसे एक ही संदेश देना चाहूँगा या अपील करूंगा कि वो फैशन इंडस्ट्री को भी उसी तरीके से लें जिस तरीके से वेडिंग्स को लिया जाता है या फिर कॉरपोरेट इवेंट्स को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन वही लार्ज स्केल पे होता है, सब चीजें वही होती हैं और ऑर्गेनाइजर्स उस स्टेज पे या उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको रिसोर्सेज ही नहीं मिलते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इस इंडस्ट्री पे भी थोड़ा ध्यान दें इवेंट मैनेजर्स। और अर्शद सर से ही कहूँगा कि वो किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, बिकॉज राजस्थान के पायनियर हैं वो और पूरे इंडिया में अर्शद सर को जाना जाता है इसी चीज के लिए। और आप खुद भी इवेंट फैशन इंडस्ट्री से कनेक्ट रहे हैं, हमने देखा है कि उस टाइम आप बहुत बड़े बड़े फैशन शोज किया कर सकते थे और मिस इंडिया से लेके और जितनी भी इंडिया की टॉप मॉडल्स होती थी वो सब आपके शोज में रैंप वॉक करते हुए मैंने देखी है। तो राजस्थान में एक तरीके का नया ट्रेड या कल्चर जो फैशन का था वो आप लेके आए उस टाइम पे। तो अभी जो समस्याएं हम देख रहे हैं उसमें किस तरीके से चेंजेस आएंगे उस पर थोड़ी रोशनी अगर आप डालेंगे, ये क्वेश्चन मैं ही कर लेता हूँ आपसे। जी मिताली, आपकी परमिशन है मैं जवाब दूं इसका? बिल्कुल सर, मेरा भी नेक्स्ट सवाल आपसे यही था कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि पेजेंट इंडस्ट्री में जो इवेंट इंडस्ट्री है पेजेंट भी उसी का पार्ट है और फिर भी जो इवेंट मैनेजर्स है उनका इतना रिझान नहीं है अगर हम फैशन इंडस्ट्री या पेजेंट इंडस्ट्री की तरफ देखें तो ऐसा क्यों है? मैं उसका मतलब मेरा यही सवाल था आपसे, और इस पे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम एक हो सकते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए मैं आई डू एक्सेप्ट कि इवेंट मैनेजर्स जो हैं उनका थोड़ा सा ब्यूटी पेजेंट्स के अंदर पेनिट्रेशन कम है,
वो लोग ब्यूटी पिजन कम कर रहे हैं, क्योंकि ब्यूटी पिजन के अंदर एक खास सी बात यह है कि नॉर्मली ये देखने में आया कि ब्यूटी पिजन का जो ऑर्गेनाइजर होता है वो ही उसका इवेंट मैनेजर भी हो जाता है स्लोली स्लोली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक इवेंट मैनेजमेंट का प्रोफेशनल हाथ अगर एक ब्यूटी पेजेंट को मिलता है तो बहुत सारे फर्क आते हैं, स्पॉन्सरशिप्स बड़ी हो जाती हैं, रेवेन्यू का इनपुट बढ़ जाता है, फाइन ट्यून हो जाता है इवेंट, डेफिनेटली उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी जो इवेंट है उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, चला जाता वो उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। प्लस एक जो क्रिएटिव हेड है जो ब्यूटी पिजेंट को कर रहा है उसको सिर्फ ब्यूटी पिजेंट करने का मौका मिलता है, क्योंकि उसकी सारी बाकी जो मैनेजमेंट है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी देख लेती है। तो अभी हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनाइजर जो है ब्यूटी पिजेंट का वही बेसिकली इवेंट मैनेजर है। तो इसके अंदर डेफिनेटली मैं खुद भी चाहूंगा कि तब्दीली आनी चाहिए। जहां तक सवाल है फैशन शोज का, तो फैशन शोज तो काफी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कर रही है, काफी ब्रांड्स के लिए भी कर रही है, काफी और अलग किस्म के प्रमोशन है वो भी कर रही है। और मैं देखता हूँ कि बहुत से इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के जो पर्सनल सेलिब्रेशन है या वो जो खुद के इवेंट्स कर रहे हैं, खुद की कंपनी की एनिवर्सरी है और चीजें, उसके अंदर ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं। बट हाँ, उनका जो है और इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड के अंदर, फैशन के अंदर जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, और बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी उससे बेनिफिट होगा, डेफिनेटली फैशन एंड ब्यूटी इंडस्ट्री को तो उससे फायदा होगा ही होगा। दूसरी बात जो थोड़ा सा योगेश ने एक बात और कही कि मतलब मैं इसके लिए योगेश को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हम लोग जब इस इंडस्ट्री को पीपल से, मैं तो खुद तो नहीं कहता हूँ कि भाई मैं इस राजस्थान के अंदर इवेंट मैनेजमेंट में ब्यूटी पिजेंट्स का जो है, मुझे लोग बोलते हैं कि मैंने शुरू किया, तो मैंने जब 91 के अंदर मिस जयपुर किया था तो जब बहुत परेशानियां थी ब्यूटी पिजेंट के नाम से, लोगों के अंदर एक बहुत जबरदस्त वाली चिड़ थी, लोग अपनी बच्चियों को भेजना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि ये बहुत ही कोई अच्छा काम नहीं है, इसके अंदर ब्यूटी को लेके इतनी ज्यादा कोई अवेयरनेस थी ही नहीं। तो 91 से लेके 2002 तक हमने इस पेजेंट को कंटिन्यू किया, और हम लोग मिस जयपुर किया करते थे, और उसको हमने कैरी ऑन किया। लेकिन उसके बाद में हमको लगा कि शायद अब हम इसको उस तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से इसको किया जाना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इस विरासत को योगेश और निमिषा ने इतनी खूबसूरती से संभाला। आज हम जाते हैं, देखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, वो जो चीज हमने राजस्थान में शुरू की वो हमसे बेहतर हाथों में है इस वक्त, तो इसकी खुशी होती है हमारे को। थैंक यू। देखिए, ये कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप बेटर हैं या अरशद सर बेटर हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ये बात हम जरूर स्वीकार करेंगे। सारी लड़कियां मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं है, वो इंस्पिरेशन है, और जो इंस्पिरेशन होते हैं वो कंपैरिजन कभी नहीं होते। बिल्कुल, और मैं ये स्वीकार करूंगी कि योगेश सर और निमिषा मैम ने जो सारी बच्चियों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी है, और सबसे बड़ी चीज एक मैं ये मानती हूँ कि हर पेरेंट्स आज इस बात को मानते हैं कि हमारी बेटी अगर मिस राजस्थान में जा रही है वो सेफ है, और उसको बहुत अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसे बहुत अच्छा करियर बन सकता है उसका। और योगेश सर की सबसे अच्छी बात मैंने जो देखी है पर्सनली वो ये देखी है कि बच्चियों का एंड सिर्फ उस पेजेंट तक, विनिंग तक ही नहीं होता। विनर्स बनने के बाद या जो भी अगर मिस राजस्थान की फाइनलिस्ट भी है उसके बाद भी इतनी अपॉर्चुनिटीज योगेश सर प्रोवाइड कराते हैं इस इंडस्ट्री में, और जहाँ पे योगेश सर का नाम आ जाते हैं वहां पे बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ महसूस करती हैं, तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और सर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी, यहाँ पे मिस राजस्थान के अलावा भी आप कई पेजेंट्स रन कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार आप उनका भी जिक्र करें यहाँ पे और हमें बताएं ब्रीफली कि और कौन कौन से पेजेंट्स हैं जिनमें बच्चियां जा सकती हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और राजस्थान की बच्चियां आगे वर्क कर सकती हैं। जी, बेसिकली मिस राजस्थान स्टेट का सबसे बड़ा पेजेंट है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट है। मिस राजस्थान अगर बनना है तो इस टाइटल के साथ ही आपको रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि मिस राजस्थान का टाइटल देने के लिए ऑथराइज्ड सिर्फ अपन ही हैं। पिछले 22 साल से हम लोग इस इवेंट को कर रहे हैं, और
इसके बाद हमें लगा कि नेशनल पेजेंट्स जो है मिस इंडिया का एक अलग ही फॉर्मेट है, फेमिना मिस इंडिया का या दीवा जो यूनिवर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो हमने फिर एक प्लेटफॉर्म और ढूंढा जो ग्लैमरन सुपर मॉडल था और वो मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई कराता था। उससे हमने राजस्थान की गर्ल्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और स्टेट टू नेशनल पेजेंट के लिए हमने डायरेक्ट कोलैबोरेशन किया। आफ्टर दैट हमें लगा कि हमें बिकॉज यहाँ प्लेटफॉर्म्स नेशनल लेवल पे भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बहुत कम है जहाँ से इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म गर्ल्स को मिल सके, तो हमने इंटरनेशनली कुछ फ्रेंचाइजीज पे काम किया और फाइनली हम लोग अभी मिस ओशन इंडिया, तीन ओशन इंडिया और मिसेज ओशन इंडिया, ये तीन पेजेंट हम लोग कर रहे हैं अभी इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल जो पेजेंट है मिस ओशन वर्ल्ड, जिसमें इंडिया जो जीतती है वो जाके रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा जब सीजन हो रहा था उस टाइम कोविड का समय था और आनंदिता को हमने शॉर्टलिस्ट किया था। ये मिस इंडिया में इस साल की बहुत ही प्रबल दावेदार थी और फिर इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा नेशनल लेवल पे न्यूज चल रही थी वहाँ पे, और उसी टाइम हमने आनंदिता को अप्रोच किया और फाइनली वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ओशन वर्ल्ड में इंडिया का फेस बनी। और इन्होंने इस चीज को साबित भी किया कि जो है इन्होंने वहां पे रनर पोजीशन बनाई और मिस ओशन वर्ल्ड एशिया का टाइटल इंडिया के नाम किया। ये बहुत बड़ी चीज थी, पूरे इंडिया को प्राउड फील कराया इन्होंने कि इंटरनेशनली जाके बहुत शॉर्ट टर्म में ये चीज हुई थी, और इनके जो मेंटोर्स वगैरह हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था इस इवेंट को। तो मुझे लगा कि इसके बाद में बहुत सारे ऐसे पेजेंट्स हैं जैसे टूरिज्म वर्ल्ड है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए है, अभी अर्थ है, एशिया पैसिफिक है जहाँ अब फेमिना मिस इंडिया नहीं भेजता है लेकिन फिर भी वो प्लेटफॉर्म है, वो मिस वर्ल्ड से भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा रही भी है, तो जीना तमान भी एक्चुअली मिस इंडिया बनी थी जब एशिया पैसिफिक में गई थी, तो लैक ऑफ नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसी चीज को देखते हुए हमने नेशनल प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट करना शुरू कर दिया है अभी, और इंटरनेशनल के लिए हमने ओशन वर्ल्ड की फ्रेंचाइजी दी है जो इस साल इंडिया में ही आयोजित किया जाएगा और जयपुर राजस्थान में हम लोग इसको होस्ट करेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये पेजेंड्री का शेड्यूल रहा कि हम लोगों ने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों सीढ़ियां इस प्लेटफॉर्म से जचा ली हैं, और बस सबका आशीर्वाद रहा तो हम अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अर्शद सर, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि योगेश मिश्रा सर बादशाह हैं पेजेंट इंडस्ट्री के राजस्थान में। तो आप उसे राजस्थान तक क्यों लिमिट कर रही हैं? अभी देखिए उनके पंख फैलने चालू हैं धीरे धीरे, वो बहुत आगे जाएंगे और उनकी बादशाहत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपकी काफी इंटरनेशनल भी गर्ल्स गई हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कौन कौन सी बच्चियां हैं जो इंटरनेशनल होकर के आई हैं, और ये बहुत प्राउड के साथ की जाती है कि इस 2020 पेंडेमिक से जस्ट पहले मिताली ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ग्लोब मिस ग्लोब इंडिया बनके, और ग्लोब इंटरनेशनल में जाके इंडिया रिप्रेजेंट किया, मैक्सिको में वो इवेंट आयोजित हुआ था, और सिमरन शर्मा भी रिसेंटली ग्रैंड इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, हमारे पास बहुत कम टाइम था और हमने रिसेंटली उसकी फ्रेंचाइजी ब्रेक की थी ग्लैमरनंद के साथ मिलके, और ग्लैमरनंद के साथ में वो इंडिया रिप्रेजेंट करने गई थी। इसके बाद में जो टीन एज का जो मिस इंडिया होता है वो उसका इंटरनेशनल, अर्थ और मल्टीनेशनल तीनों जो टाइटल है उसमें हर साल मैं जजिंग पैनल में रहता हूँ और उसका पैट्रॉन भी हूँ, जैसे अर्षद सर हमारे पैट्रॉन हैं इसी तरीके से नेशनल पेजेंट्स में भी कुछ पेजेंट्स ने मुझे अपना पैट्रॉन बना रखा है। सो इस टाइप की एक्टिविटीज यही, साथ ही आंचल बोहरा जो है उन्होंने इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट किया। जैसे अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 साल से ऐसी कोई भी हमारी कंटेस्टेंट नहीं थी, चाहे गीतांजलि ले लें, चाहे कंचन खटाना ले रहे हैं, चाहे आपको लिया जाए, तो सभी ने इंटरनेशनली जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। IPS के जितने भी विनर्स हैं, विनर्स के अलावा भी
जो रनरअप रही हैं जैसे कनु पाराशर थी या फिर उदिता तंवर थी या आप हैं, तो सबने इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड वाला विषय था। और अब अनंता भी हमारी टीम में जुड़ चुकी है, तो अनंता भी वर्ल्ड मैप पे मतलब इंडिया का नाम रोशन किया। और अनिंदिता जी, आप मेरे को ये बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कितने कंटेस्टेंट्स थे आप लोग, और वर्ल्ड लेवल पे अगर किसी पेजेंट में हम जाते हैं तो मुझे पता है पर्सनली, बिकॉज मेरी भी 64 कंट्रीज थी, सो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड इवन आई वॉज वेरी नर्वस दो, बट हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर एंड अमंग ऑल द कंट्री मेंबर्स, देयर कल्चर्स, एवरीथिंग? First of all, thank you so much for having me here, and I want to thank to Yogesh sir for this wonderful opportunity. I started from a very small platform when I was young, and I was not expecting that one day I will be this Miss Ocean World Asia. So when I started my journey, I still remember it was the month of November last. I started last year in 2020, and then suddenly I got to know about everyone that suddenly I'm participating in Miss Ocean World India, and I got through the auditions and I got selected to represent India at Miss Ocean World 2020. And then I got to meet so amazing people around, those who are my co-contenders, Aran Zoko, who is from Chai, and then so many. And I got to learn one thing, that is, we might be from different countries, but the one thing that we all are here for the humanity. So beauty pageant is all about growing the humanity. To beauty is not something which you see from outside, but also something which is inside the human being. And we all represented by our own cultural style, like we have our own national values. And we did that, and it was wonderful to interact with all the judges across the world and to get each and every contestant in personal, getting to know them and getting to learn from them. I think that that was a wonderful opportunity which I have got and which I'm going to cherish throughout my life. At the same time, I still remember, like when I was young, I always used to dream that one day I will go with the sash of India and will represent India internationally. But that was like, people always used to tell me that you can't do that. But today when I finally did it, I think that I am fortunate enough, and I'm grateful and also thankful to Yogesh sir, the entire team of Miss Ocean World, for giving this wonderful opportunity. And this is something which I can never forget in my life. So once again, thank you to everyone. Thank you. थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतने अच्छे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सो फाइनली मैं वापस से योगेश सर के पास आऊंगी, एंड आई विल आस्क योगेश सर कि योगेश सर, आपको आज की थीम के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि आज की थीम क्या है हमारी? बिल्कुल, हम होंगे कामयाब जो है। तो सर, इवेंट मैनेजर्स देखिए थीम है वैसे जी, और तो हम सब जानते हैं सर आप यहाँ पे कंपोजर हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप एज अ सिंगर थोड़ा सा गुनगुनाते हुए आप हमें इस सेशन को हम एंड करेंगे, और थोड़ा सा आपकी बोली हम सुनना चाहेंगे यहाँ पे। थैंक यू। मैंने पढ़ाई जो है क्लासिकल सिंगिंग से की थी, और मैंने दो तीन फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है, और एज ए डायरेक्टर दो फिल्में डायरेक्ट भी की हैं जी। सो बिल्कुल मैं गुनगुना लेता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा याद नहीं है गाना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
वाओ, वेरी ब्यूटीफुल सर, वेरी ब्यूटीफुल. एट द एंड मैं अर्शद सर से कहना चाहूंगी कि सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे सभी को. देखिए पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छियां होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हमारे पास अभी हासिल करने के लिए बहुत कुछ बाकी है. हमने जो खोया है उसकी तरफ देखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से चीजों को बेहतर बना सकते हैं, इस पे फोकस करना जरूरी है. क्योंकि हम सब जानते हैं बुरा वक्त चल रहा है, हर दो चार दिन के अंदर हमारा कोई खास चाहने वाला रिलेटिव फ्रेंड किसी ना किसी के वो लेके बुरी खबर आती है, कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी का इंतकाल हो गया है, या कोई जो है बहुत ही बुरे वक्त से जूझ रहा है. तो ये है बुरा वक्त, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है. हम थोड़ा सा लोग फाइनेंशियल क्रंच के अंदर भी हैं, लेकिन ये वक्त और हालात ऐसे नहीं रहेंगे. इसीलिए हमारी इवेंट मैनेजर्स डे की जो थीम है वो यही है कि हम होंगे कामयाब. और देखिए वैसे भी एक इवेंट मैनेजमेंट कम्युनिटी हमेशा चैलेंजेस का सामना करती है, ऑन ग्राउंड भी, वेन्यू के ऊपर भी. कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिश होती है, कभी किसी वेंडर्स की तरफ से कुछ चीजें डिले हो जाती हैं और किसी किस्म की चीजें हो जाती हैं, तो वो हमेशा चैलेंजेस को फेस करता है. तो मेरी कम्युनिटी तो बहुत ही ब्रेव कम्युनिटी है, अगर इवेंट मैनेजमेंट की हम बात करें तो वो तो डेफिनेटली कामयाब होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन साथ ही में हम सब लोग जो और लोग भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं पूरे मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर, हम सब कामयाब हो ऐसी ही मेरी ख्वाहिश है और यही पैगाम है कि हम इस परेशानियों से इनसे बाहर आए. थैंक यू सो मच सर. योगेश सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री और ग्रो करे, फैशन इंडस्ट्री स्पेशली, ब्यूटी पेजन इंडस्ट्री स्पेशली, कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इवेंट मैनेजर्स का रुझान हो और यहाँ पे आके वो इन प्रोडक्शन से लेके एग्जीबिशन और मार्केटिंग सब चीजों को वो संभालें और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल इंटरनेशनली गर्ल्स को प्लेटफॉर्म दे पाए और वो फुल फोकस कर पाए उनकी ग्रूमिंग ट्रेनिंग और मेकओवर पे, जिससे कि देश का नाम रोशन हो. और देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं इवेंट मैनेजर पूरी इंडस्ट्री से एक अपील करूंगा कि वो ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री का पार्ट बने. बिल्कुल. चंद्रा मैम आप क्या बोलना चाहेंगी? ओके सो मैं यही बोलना चाहूंगी कि टू द यूथ एंड स्पेशली टू ऑल द पेजेंट एस्पिरेंट गर्ल्स, दोज हु वांट टू जॉइन द पेजेंट, कि आप लोगों को कभी कभी लगता होगा, स्पेशली टू द पेरेंट्स, दोज हु थिंक दैट पेजेंट्री इज अ बैड थिंग, माई चाइल्ड शुड नॉट गो, देन आई वुड लाइक टू टेल देम दैट पेजेंट्री इज अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी, विच गिव्स योर चाइल्ड द अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द फियर एंड टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस सो दैट दे कैन शोकेस देयर टैलेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो आई थिंक दैट दे शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रेन टू गो एंड पार्टिसिपेट इन पेजेंट्स सो दैट इन फ्यूचर इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर आप पेजेंट पे जा रहे हो तो यू विल एंड अप गो टू बॉलीवुड और एनी अदर फैशन इंडस्ट्री. आई हैव सीन मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे हैव ऑल्सो डन पेजेंट्री एंड दे आर डूइंग सो गुड इन देयर ओन लाइफ. So pageantry is basically a platform which will build your confidence, which will build your personality, and that will help you to have a bright future. So I would just want to give this message to the entire those who all are watching this, that just encourage your children to go and participate in pageants so that they can find themselves, they can find who they are and what they can be in their future. That's all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So it was nice talking to you all. Thank you so much for joining us. Mithali, aap apni journey bhi batayenge to acha lagega. Sir, journey meri bahut tough rahi hai, lekin aap saath mein the to zarur maine bahut kuch seekhne ko mujhe aapse mila hai. Meri journey start hui thi 2019 mein when I gave auditions for Miss Rajasthan. And I was into runner-ups, so वहाँ से मेरी journey start हुई थी. उसके बाद योगेश sir ने मुझे काफी मदद की as a mentor. He helped me a lot to groom myself,
कैसे वॉक करनी है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. उसके बाद मैं आगे इंटरनेशनली मैंने मिस ग्लोबल इंडिया बनके मैंने इंटरनेशनली मैक्सिको में अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन अमंग्स 64 कंट्रीज एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. वहाँ पे दो बहुत टफ था मेरे लिए बिकॉज सबका डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड मेरी जो रूम पार्टनर थी वो भी मिस पाकिस्तान थी. तो उनके साथ तो मुझे बहुत ही मजा आया, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे मेरे. मैंने ग्लैमर एंड सुपर मॉडल में भी टॉप 10 फाइनलिस्ट में मैं रही हूँ और साथ ही साथ सिमरन मैम एज अ मेंटोर हमारे साथ रही हैं मिस राजस्थान में, तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी योगेश सर का, निमिषा मैम का, कि आज जो भी है हम लोग आज अगर हम लोग एक क्राउन भी वेयर कर रहे हैं तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. आज जिस भी पोजीशन पे है हमें लाने वाले सिर्फ आप लोग हैं. और मैं यहाँ पे सब इवेंट मैनेजर्स को अपील करना चाहूंगी, हम एक नॉर्मल बच्चियां थी जिनको आगे योगेश सर ने बढ़ाया, ऐसे ही पेजेंट्स में जा करके हम अपना नाम रोशन कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं. पेजेंट इंडस्ट्री को अभी इवेंट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, प्लीज आगे बढ़े और हमारा साथ दे ताकि उन बच्चियों को जो बच्चियां एक्चुअली सपना देखती हैं कि वो एक दिन क्राउन पहन के वॉक करें सबके आगे, उन बच्चियों को मदद मिलेगी आपके थ्रू. सो ये मेरी एक अपील है सारे इवेंट मैनेजर्स से. बिफोर वी एंड, मैं भी एक छोटा सा थैंक यू नोट देना चाहूंगा, स्पेशली हमारे जो टीम बिहाइंड द कैमरा है सिटी लाइव, सत्यजीत और विश्वजीत, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया. आप ऐसे हमारे साथ हमेशा बने रहते हो. और बाकी भी सब लोग हमारे तीनों जो स्पीकर्स हैं उनको भी मैं इवेंट मैनेजर्स डे सेलिब्रेशन का ये जो सीरीज चल रही है उस टीम की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये वक्त निकाला और हम सबके साथ में आए और हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे. और मेरा ये आपसे वादा है कि मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रांगली इस बात को रिकमेंड करूंगा और कम्युनिकेट करूंगा कि अब हमारे को ब्यूटी पेजेंट्स और फैशन इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रहना है और उसको निखारने में, सबसे बड़ी बात है उसको बढ़ाने में सहयोग देना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Live, a platform to sharing your thoughts. We are the backbone of events. We make this happen. We've been kicked down, but we will get back up. Our focus is razor sharp. The show must go on. Events are where communities celebrate and people need community. We will be ready. Today, the arena is empty, but it will be full again, and we will be ready. It's quiet now, but it will be loud again, and we will be ready. It's dark today, but there will be light again. We will return, stronger than ever, recentered, reconnected, redefined. This is temporary. We will overcome.